बड़े ही सत्कार योग बुजुर्ग मेरिया मामा मेरिया भैणा ते मेरे बहुत ही जोशो खरोश नाल आए सत्कार योग भरा नौजवान दोस्त अज असी सारे जिस मुकाम ते खड़े हाँ सच पुछदे हो मैं कलाकार बादशाह पहला किसान का पुत हाँ उस आजादी घलाटिए प्रताप सिंह बागी ने मैनू जन्म दिता ते मेरे स्वर्गीय बापू जी उन्हां टाइमां दे विच मजारा मूवमेंट के मोढ़ी बन के नितरे सी ते मैं किसान जथेबंदियां दे नाल पहले दिन तो जिस दिन यह संघर्ष शुरू होया उस तो लैके हुण तक निरंतर जुड़िया होया ते अज मैनू इस गल की खुशी आ कि यह संघर्ष सिर्फ ते सिर्फ पंजाब का संघर्ष नहीं यह संघर्ष उन्हां लोकां दा संघर्ष है जो लोग इंसाफ पसंद ने जो लोग देश की तरक्की चाहते ने जो लोग देश दे लई मर मिटना चाहते ने उन्हां किसानां उन्हां मजदूरां उन्हां लोकां दा यह संघर्ष है ते साडी हिंदुस्तान की सरकार जो गूंगी होई पई है जे सरकार दे लीडर चलाउण वाले साडे देश दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो शख्स है जो शख्स देश की एमरजेंसी दे वक्त दाढ़ी मुछा रख के सिर ते दस्तार झूठी सजा के झूठा सिखी का भेस बदल के जेल जान तो बचता रहा ये वो लोग तख्तों ते बैठे ने जेड़े लोग अडानी ते अवानी के हाथों च खेड रहे ने ये लोग जिन्होंने देश नू लुटिया हुण तक ते देश दे लई कोई कुर्बानी नहीं कीती अज पूरे देश का अन्नदाता पूरे देश का मजदूर इस घोल दे विच कुद्या होया है ये दसण दे लई कि 62% तो वध लोग हिंदुस्तान दे किरत नाल जुड़े हुए ने ते एक किरतिया नू मारना चाहुंदा है क्योंकि इन्होंने साडे हिंदुस्तान दियां सारियां वो वड्डियां कंपनियां सारे वो वड्डे जो असी टैक्स दे के बनाए अदारे इन्होंने उन्हां लोकां दे हत्थां च बेचे ने अडानी 2007 दे विच जदों मोदी मुख्यमंत्री सी गुजरात दा उदों उहदे कोले आया इन्होंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट का पेपरां का काम शुरू किया ये अडानी लमरेटा स्कूटर ते सी 2000 दे विच अज अडानी सरकार चला रहा है वो धीरू भाई वानी का मुंडा अज सरकार चला रहा है ये मखोटे मूहरे खड़े किए हुए गुजराती मखोटे वो साडा जट साडा गरीब किसान 5 लख 7 लख 10 लख रुपये का करजाई हो जाता कदे सलफास की गोली खा लैंदा है ते कदे फांसी का रस्सा गल च पा के फाहा लै लैंदा है ये लोग ये गुजराती सानू लुट के खा गए ने साडे हिंदुस्तान के बैंकों नू लुट के खा गए ने कोई इंग्लैंड बैठा है कोई कितने होर बैठा है ये पेखी प्रधानमंत्री जिसने समय समय के उत्ते झूठ बोलिया शर्म होनी चाहिए यह जे बंदे नू प्रधानमंत्री कहण दी जिसने अपनी सारी जिंदगी झूठ के लेखे लाई होवे हर बार गिरगिट वांगू रंग बदलिया होवे सो मैं अज नतमस्तक होना इस किसानी घोल के अगे कि यह हिंदुस्तान का पहला घोल है जिहड़ा ना सियासी है ते ना ही धार्मिक है हिंदुस्तान का यह घोल उन्हां किरतियां उन्हां कामियां उन्हां संघर्ष करदा दे किसानां दा घोल है ते अज हिंदुस्तान दियां तमाम जथेबंदियां इस घोल दे लई मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ के साडे किसान लीडरां नूं हौसला दे रहियां ने।
ਤੇ ਮੈਂ ਨਕਮਸਤਕ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਹੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ क्योंकि मेरे सत्कारयोग बजुर्गो आ मेरिया मावां जो अपने घर छड़ के साडे लई इत्थे आईआं ने आ बड़ी तदाद दे विच मैं आपदे सत्कारयोग बजुर्गां नूं बैठिया देखदा तां मेरा सिर झुकदा। साडे पंजाब दा हर वर्ग दा बंदा चाहे वह मुलाजम है चाहे वह बुद्धिजीवी है चाहे वह लेखक है चाहे वह कलाकार है क्योंकि एक सच्चे कलाकार का फर्ज हमेशा यह रहा कि लोगों के दुखों दर्दों च नाल खड़े लोगों की आवाज बन के गूंजे वो सच्चा कलाकार है। अज मैं इस भारी कट के विच तुहाडे सारयां दे सामने यह अनाउंस करदा कि हिंदुस्तान की सरकार ने जो मैनू नैशनल अवार्ड दिता मैं वापस करदा। मैनू लोड़ नहीं इस नैशनल अवार्ड की अपने किसान भरावां दे नाल खड़न दी। अजे जे वार्ड मैं 3600 बार सकदा क्योंकि मैं कित्थों लभ के लियावां सर छोटू राम वर्गा खेतीबाड़ी मंत्री एक पासे तोमर वो जिहनूं खेती दा ए भी सी नहीं पता लल्ला खक्का नहीं पता ये एयर कंडीशनर रूमां दे विच बैठ के इस तरह के खेती बिल बनाउंदे ने ते फिर कहिंदे ने कि जी इहदे वर्गे बिल्डिंग बनने वो मैनू ये दसो कि जथेबंदी तुसीं डिस्कस करके बिल बनाए ने कोई एक बंदा दे दस दे जिहड़ा कहे कि असीं इस खेती बिलों तो खुश हाँ। इस खेती बिलों ने इहदी जो नकल मारी है पहला अमरीका दे विच 12% किसानों तो 2% किसान लै गए जिहड़े खेती करते हैं तो साडे हिंदुस्तान दे विच जिथे जिथे मंडी कर रहे ने खत्म किया उतों की त्रासदी साडे सारयां दे अखां मूहरे है। अज तमिलनाडु के भरा इतने आए गुजरात तो काफले आ रहे ने महाराष्ट्र तो काफले आ रहे ने यूपी तो काफले आ रहे ने कर्नाटका तो काफले आ रहे ने ते इस हिंदुस्तान की सरकार नूं इस गल का डर लग रहा है कि यह जिहड़ा मास घोल बन गया इस घोल नूं असीं किवें तार पीडो करिए इहदे लीडरां नूं किवें खरीदिए ते मैं इस गल दे विश्वास दे विच आ कि साडियां किसान जथेबंदियां दे लीडर बड़े सियाणे ने वो बड़े सियाणे ने वो इन्हां दे निभाणू राणियां दे विच नहीं आउणगे क्योंकि कोई सियासी बंदा हुंदा शायद पैंत दा बदल लैंदा पर इस निरोल सियासत तो परां होके इह घोल कीता जा रहा है। इस घोल दे विच जिथे लखां दी तादाद दे विच साडे वीर साडियां मावां साडियां भैणां साडे बजुर्ग हिस्सा पा रहे ने उते मैं भी एक नवाड़ा जिहा हिस्सा पा रहा। सो मैं अखीर दे विच क्योंकि मैं जो स्टेज पर चढ़न लग्या सी मैनूं कहा सी कि दो बोल जरूर सुनाउणे ने मैं बोल वो सुना रहा जिहड़ा गीत हाले मैं करना पर यह गीत मैं इस किसान मूवमेंट तो पहला लॉकडाउन लगन तो पहला यह गीत मैं रिकॉर्ड कर लिया सी पर मैं यह गीत हाले छड्डिया नहीं उसके दो बोल जरूर मैं तुहाडे नाल सांझे करांगा। वह त्रासदी है पूरे हिंदुस्तान के किसानों की जिहड़े सुइसाइड कर रहे ने जां इस तरह दीआं घटनावां कल्ले पंजाब दे विच ही नहीं महाराष्ट्र दे विच सब तो मोड़ी है तमिलनाडु च किन्ने किसानों ने आत्महत्या की आ। सो उहदीआं दो लैणां मैं तुहाडे नाल सांझीआं करदा उम्मीद है कि प्यार बख्शोगे। मेरिया मावां बैठियां ने मैं इहनां नूं यह गीत समर्पित करदा पंडकर जे दी पारी वे साडे सिर ते बोल रही लभदा नी तेरा बापू वे मैं कदी टोल रही पंडकर जे दी पारी वे साडे सिर ते बोल रही लभदा नी तेरा पापा वे मैं कदी टोल रही फोन बैंक दा आया फोन बैंक दा आया सुन के बाहर नूं तुरिया फाहा ना किते लै ले बे बापू खेतो नहीं मुड़िया फाहा ना किते लै ले बे ता खेतो नहीं मुड़िया।
ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।